है नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका फिर से अपने एक नए वीडियो पे। तो आज ये वीडियो होने वाला है टाटा कैम के ऊपर। ओके, तो इस वीडियो हम लोग कवर कब करने वाले हैं, पहले बता देते हैं क्या क्या कवर अप होने वाला है। ओके, वन डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे इसका। ओके, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बताएंगे कि क्या लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग इंट्राडे लेवल्स, स्विंग लेवल्स और जो स्कैल्पर्स हैं, अगर स्कैल्पिंग्स लेवल्स हो गए उसके स्कैल्पिंग्स लेवल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। और दी मेन चीज़ जिसलिए हम लोग के डेली वीडियोस हम लोग लाते हैं, वो लोग आप लोगों को भी पता होगा, जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा, जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि मैं डेली वीडियोस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से लाता हूं, और वो भी कोई टिप्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूं। और वो भी किस पर्पस से लाता हूं, ताकि आप लोगों को चार्ट रीडिंग आए। पूरे यूट्यूब में आप लोगों को लेवल्स ड्रॉ करना सिखाते हैं, लेकिन हम लोग लेवल्स ड्रॉ करते करते उसके बाद उसका रीज़न नहीं बताते हैं ऐसा क्यों हुआ है। ओके, ताकि आप लोगों को चार्ट रीडिंग समझ में आए। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को नहीं करा होगा सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आ चुके हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे आप लोग को क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ था इतना बड़ा, ठीक। आप लोग को पता होना चाहिए अगर मार्केट कभी भी गैप अप खोलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ प्राइस चल रहा है, अगला प्राइस यहाँ खोल देता है, ये जो बीच का गैप है, ये गैप को हमेशा मार्केट क्या करता है, कवर अप धीरे से स्लो एंड स्टडी कवर अप करके फिर ऊपर जाता है। बिकॉज जो बीच में गैप है उसको कवर तो करना ही पड़ेगा ना मार्केट को। सो देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखें, मैं इसको वापस सब चीज़ डिलीट कर देता हूँ, ठीक, ताकि अच्छे समझें। देखिए यहाँ पे क्या है, एक गैप है, अभी गैप को कवर करने तो आएगा ही ना मार्केट, गैप को कवर करने हमेशा आता है मार्केट। सो बिकॉज ऑफ दिस गैप, गैप कवर करने के लिए मार्केट देखिए यहाँ पे इतनी डाउन साइड आया, ये गैप कवर करने की कोशिश कर रहा है। ओके, गैप कैसे कवर करेगा, देखिए कैसे क्या कवर करेगा वो तो अपने हिसाब से कवर करेगा, लेकिन हम लोग क्या सिनेरियो बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए जो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखें, लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से मार्केट इसके नीचे यहीं पे वो बना रहा था अपनी, मतलब अपना सपोर्ट एरिया यहाँ पे बना रहा था, ये सपोर्ट एरिया नहीं ब्रेक कर रहा था अपना। ओके, सो सपोर्ट एरिया नहीं ब्रेक कर रहा, मगर आज के दिन क्या करा, आज के दिन इसने बड़ी गिरावट दिखाई, अपना सपोर्ट एरिया ब्रेक डाउन कर दिया। अपना सपोर्ट एरिया ब्रेक डाउन करने के बाद अब हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, देखिए इसका गैप कहाँ तक था, यहाँ तक था गैप, हम लोग को यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं, मिल सकते हैं 101% मिल सकते हैं, बट क्या स्ट्रेटेजी बिल्ड अप करके हम लोग ड्रॉ करेंगे अपने एरिया, यहाँ तक के टारगेट्स बुक करेंगे, उसके लिए हम लोग अगले चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, इसको डिलीट करते हैं, हटाते हैं पूरी चीज़, हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, ताकि ये जो छोटा एरिया उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर पाएं। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, जूम इन करते हैं, देखिए वो बड़ा लेवल देख रहे हैं आप लोग, बड़ा लेवल यही वाला लेवल था जो हम लोगों ने वन डे टाइम फ्रेम बनाया, तो अपने आप छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट प्लॉट हो गया, इतना तो सबको आता होगा, ठीक। और ऊपर से रेजिस्टेंस एरिया की अगर बात करें, मार्केट क्या कर रहा था, धीरे धीरे देखिए जो अपने हाई बना रहा था, भले वो हायर हाई बनाता चाह रहा था, मगर ये देखिए यहाँ पे इसने हायर हाई बनाना फेल हो गया, हायर हाई देखिए यहाँ पे हायर हाई ये बन रहे थे, बट आज के दिन जो ट्रेडिंग सेशन, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हायर हाई ये बन रहे थे, और इसने लास्ट के बाद जो ये कल के दिन मतलब जो आज बन रहा था उसने यहीं से रिजेक्शन ही बनाया, पहली कैंडल ही बहुत बड़ी रिजेक्शन कैंडल बनाई थी, उसके बाद ये देख सकते हैं लोग कितनी बड़ी सेलिंग देखने को मिली थी, बिकॉज ऑफ दिस बिग सेलिंग और वॉल्यूम भी बड़ी आई थी, इसकी वजह से मार्केट हम लोग को बड़ा शार्प फॉल देखने को मिला, और अच्छी खासी तेजी के साथ हम लोग को गिरावट देखने को मिल गई इसमें। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कल के, मतलब 29th of March में हम लोग को क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे वो डिस्कस करते हैं इसमें। ओके, वेट अ मिनट, ये सारे पुराने लेवल्स हटा देता हूँ ताकि नए लेवल्स बनाऊँ तो आप लोग को अच्छे समझ में आए। ओके, देखिए हम लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल क्या रहने वाला है, जो हम लोग का ये सपोर्ट एरिया, ये जहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था वो होगा हम लोग का सपोर्ट एरिया, लाइक दिस लेवल, ठीक। इस लेवल का ब्रेकआउट डाउन होने का वेट करेंगे, जब तक यहाँ ब्रेकडाउन नहीं देता वापस रिटेस्ट करके फिर फॉल करता है, ताकि जब भी आप रिटेस्ट पे आप लोग ट्रेड लेते हैं वो ज़्यादा कन्फर्मेशन ट्रेड बनता है, उसमें स्टॉप लॉस भी हम लोग का छोटा बनता है, ताकि छोटे स्टॉप लॉस के लिए हम लोग ट्रेड बनाएं, इसलिए हम लोग रिटेस्ट का वेट करते हैं हमेशा। यहाँ पे रिटेस्ट आए तब आप लोग अपनी पूरी क्वांटिटी में एंट्री लीजिए, जितनी आप लोग एंट्री लेते हैं, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को माइंड में रखते हुए ट्रेड में एंट्री लीजिएगा। और अगर बात करते हैं यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश करता, अपसाइड के क्या सिनेरियो बनेंगे हम लोग के, अपसाइड के सिनेरियो डिटेल में डिस्कस करते हैं। अपसाइड के हम लोग के जो सिनेरियो हैं, अपसाइड के सिनेरियो यहाँ पे रिटेस्ट करके अपसाइड का ये सिनेरियो बनेगा। ओके, इस लेवल को ब्रेकआउट देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ रिटेस्ट करके तब हम लोग ये सिनेरियो बनेंगे। ओके, सो आई होप आप लोग की लेवल्स समझ में आए होंगे, और कैसे ड्रॉ करें वो चीज़ समझ में आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए अगर नहीं करा अब तक, और बने रहिए हमारे चैनल पे। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।